शांति। आज की तारीख है 29/10/14। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बड़ा ही रमणीक है। यदि हम उसे रमणीकता से उठाएं तो रमणीक भी है, और जितना रमणीक है उतना वह गंभीर भी है। आप कभी उल्टे लटके हो, आप कभी उल्टा बने हो, तो आइए सुनते हैं कि उल्टा लटकना क्या होता है, उल्टा होना क्या होता है। तो मीठे मीठे बाप दादा, जो हम बच्चों को कैसे उल्टा लटकते थे उससे हमको सुलटा किया, तो ऐसे सुलटा करने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। तो आज तक हम क्या थे? उल्टे लटके हुए थे। और बाबा ने आकर के क्या किया? हम उल्टे लटके हुए उल्लुओं को सीधा किया, सीधा बनाया। प्रश्न है आज का, माया के पंप से मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? अब माया के पंप से कभी इज्जत मिलती है, लेकिन आसुरी इज्जत वालों को भी, उनकी भी कोई इज्जत का एक अपना उन्होंने बनाया हुआ रहता है, उनकी भी एक अपनी इज्जत की परिभाषा होती है। तो बाबा कहते हैं, आसुरी इज्जत, मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने तो सबकी बेइज्जती की है, सबको पतित बना दिया है। तो बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। माया क्या करती है? उनको उस रीति से उल्टा लटका कर, गालियां देकर और बेइज्जत करके उनकी इज्जत करती है। परंतु बाबा आकर के हमें दैवी इज्जत वाला, सच्ची इज्जत वाला बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है, दर दर धक्के खाने की आदत को छोड़कर भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, क्योंकि पढ़कर फिर बाबा कहते हैं पढ़ाना है। टीचर बनेंगे तब तो पढ़ाएंगे। नंबर दो है, सत्य नारायण की सच्ची कथा को सुनकर नर से नारायण बनना है, ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत होकर इज्जत अपनी गंवानी नहीं है। यदि हम वशीभूत हुए किसी भी विषय विकार के, तो हम खुद ही खुद की बेइज्जती करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता के द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है, हमें बहुत सारी स्मृतियां मिलती हैं जिससे सामर्थ्य आता है, बहुत सारे गुणों का खजाना मिलता है, तो हम संतुष्टता को सहज धारण कर सकते हैं। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
जब आपस में एक दो को संतुष्ट करते हैं तब तो परिवार में परिवार बन के रहते हैं। कोई भी प्रकार की परिवार में या आपस में खिटपिट न हो। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।